हेलो दोस्तों, वेलकम टू PSA व्लॉग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ में येलो लाइन का कहर। और चंडीगढ़ अब स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, और जो नई ताज़ा खबर आई है उसके अनुसार चंडीगढ़ में जो अब तीन लेने थी उसमें जो सबसे फर्स्ट लेन जो लेफ्ट साइड की तरफ पड़ेगी वो येलो लाइन में कन्वर्ट कर दी गई है। उस लेन का जो मेन पर्पस है वहाँ पर सिर्फ जो आपकी ऑटो बस या इमरजेंसी जो व्हीकल्स हैं जैसे एम्बुलेंस, ये सिर्फ उनके लिए ही है। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी उस लेन में लेके जाते हैं तो आपको पेनल्टी और चार्जेस आपने जाना किधर है? यहाँ तो फिर आगे गाड़ी खड़ी है, कैसे निकलोगे? तो ये कार पार्किंग करते करते हैं। तो मेन चीज है जो देखने वाली बात कि आप येलो लाइन को अगर उसमें जाते हैं अपनी गाड़ी लेके तो आपको पेनल्टी फाइन वगैरह काफ़ी भरने पड़ सकते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे टोटली ऑटोमेटेड हो चुका है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको कहीं नहीं रोकेगा अगर अनलेस अनटिल आप कोई चीज़ कोई ब्रेक करके बहुत करने जा रहे हैं तो आपको रोकेंगे। अदरवाइज आप वहाँ पर गाड़ी चलाएँगे तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी वहाँ पर स्पीड लिमिट बांध दी गई है 40 किलोमीटर की, और आपने अपनी स्पीड लिमिट जैसे जैसे क्रॉस करेंगे उतने चलान आपको ऑटोमेटिक आपके घर आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चंडीगढ़ अभी इतना है तो सेफ है, बट जो ड्राइविंग जिनकी सही नहीं है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। तो आप इतने चलान वहाँ पे भुगत लेंगे जितना आपको पता भी नहीं होगा कि चंडीगढ़ घूमने का हमें इंजॉयमेंट करने गए थे या झटके खा कर आए हैं। तो ये चीज़ जो दिल्ली में थी अब वो चंडीगढ़ में आ चुकी है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़ विज़िट करते हैं तो स्पीड लिमिट, हेलमेट, अपनी लाइन, येलो लाइन, ये काफ़ी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता चला कि इस सड़क के ऊपर कितनी स्पीड लिमिट है तो आपका चलान तो कटेगा ही कटेगा, और आपको घर बैठे ही ये चलान मिल जाएगा आपके घर में। तो बेटर है कि वहाँ पे स्पीड लिमिट और इन सब रूल्स को फॉलो करके ही ड्राइव करें और अपने आप को अपडेट रखें किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ के। तो ये अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है, अभी ट्रैफिक पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, थोड़ा सा लिबरल भी है बट चलान भी काफ़ी लोगों के आ चुके हैं। तो मेरे चैनल पे भी जितने जो फॉलोअर्स हैं और जिनको ये देखते हैं तो ये अपडेट उन सब के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।